मोबाइल में ऐप के यूजर लॉगिन करने के लिए सबसे पहले हम अपने मोबाइल में गूगल या गूगल क्रोम ओपन करेंगे। ये होम पेज पे जाएंगे गूगल पे और यहाँ पे हम सर्च करेंगे एफ टी के यूजर लॉगिन सर्च करेंगे तो सबसे पहले जो लिंक आएगा हम उस पर क्लिक करेंगे, JJMWQMIS। ये हमें FTK यूजर लॉगिन विंडो पे सीधा पहुंचा देगा। सबसे पहले हमें यहाँ ऊपर मोबाइल नंबर और यूजर नेम मांग रहा है, तो इसमें हम अपना जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है वो हम इसमें डाल देंगे जो हमारा मोबाइल नंबर रजिस्टर है। तो हम यहाँ पे एक नंबर डाल रहे हैं 7 0 8 5 4 और पासवर्ड डाल देते हैं। ठीक है, पासवर्ड डालने के बाद हम यहाँ लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। तो हम अपने अकाउंट में लॉगिन कर जाएंगे और ये हमारा अकाउंट खुल के आ जाएगा। डैशबोर्ड सबसे पहले हमारे सामने ओपन होगा जिसमें हमें सैंपल दिखेंगे कि अभी तक कितने सैंपल हमने टेस्ट किए हैं, हमारी पंचायत में टोटल कितने सैंपल टेस्ट हुए हैं और आज हमने कितने सैंपल टेस्ट किए हैं। तो सबसे पहले जो ग्रीन कलर में दिख रहे हैं ये हमारी पंचायत में अब तक जो सैंपल टेस्ट हुए हैं 26 दिख रहे हैं। आज हमने कितने सैंपल टेस्ट किए? 0। और अब तक हमने कितने टेस्ट किए हैं? 4, ये दिख रहा है। ठीक है, अगर हमें नया सैंपल अब ऐड करना है तो हम कैसे ऐड करेंगे? यहाँ पर ये एक ऑप्शन आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, ऐड न्यू सैंपल, इस पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर हम डिटेल भरेंगे, इसके लिए हम दूसरी वीडियो में बताएंगे कि कैसे सैंपल फिल करना है। आज हम बस आपको लॉगिन करना बता रहे हैं।